एक बात तो है, उन्होंने मान लिया है भी मेरे पे जो आरोप हैं, जो क्योंकि जो कोर्ट ने ही मान लिया है, कोर्ट ने ही उनको कहा है भी आप जितनी देर, हम नहीं कहते ना सीएम हाउस जा सकते हैं, ना सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना सीएमओ की कोई भी महकमे की फाइल के ऊपर साइन कर सकते हैं। जब वो उन काम ही मुख्यमंत्री का नहीं कर सकते, वो ना ऑफिस जा सकते हैं, ना सरकारी फाइल देख सकते हैं, तो रहने का वैसे बनता ही नहीं था। ये तो उन्होंने एक चाल खेली है, एक स्टंट किया है, वो वैसे ही कोर्ट के हुक्मों से कोई चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी निभा ही नहीं सकते। लेकिन अब जब इलेक्शन होगी तो फिर अब पता चलेगा, क्योंकि जब तक और चार्जेस, यार पंजाब में से इलेक्शन में हजारों करोड़ वहां पे बांटा, और वो बांटा कहां से, ये शराब माफिया से दिल्ली से इकट्ठा करके, और अब पंजाब में से इकट्ठा कर रहे हैं, उसे कोशिश कर रहे हैं अभी दिल्ली में लेके आएंगे पैसा। तो इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी था, नहीं ये लोग बहुत लूट पाट मचा के रखी हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है जो वो कोर्ट ने भी लिया है। नहीं कोर्ट कभी भी इतना बड़ा फैसला, और वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो भी केजरीवाल साहब कहीं ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, ये आप में खुद में। और जहाँ तक आपने बेल की बात करी है, वो तो हर चोर चक्के की, जो भी चाहे 10 बार कोई जेब काटता है, बेल तो उसकी भी हो जाती है, तो उसी तरीके से बेल इनकी हुई है।